हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं फिर से आपके लिए एक नई टिप्स लेके आई हूँ। फेस्टिवल सीजन आने वाला है और मार्केट में बहुत मिलावटी पनीर भी मिलते हैं, और फेस्टिवल सीजन में हम दूध और पनीर की सब्जियाँ और बहुत सारी रेसिपीज बनाते हैं। तो आज मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताने वाली हूँ, बिना दूध का भी आप पनीर निकाल सकते हैं घर पे, वो किस तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक बड़ा बर्तन ले लिया है। हम एक ही मेजरमेंट रखेंगे। मैं जिस ग्लास से नाप रही हूँ, मैं सारी चीज़ें उसी से नाप के डालने वाली हूँ। तो मैं इसी गिलास से नाप करके मैं 2 गिलास पानी डालने वाली हूँ। अब फ्रेंड्स, हम इस पानी को डाल देंगे गैस पे और इसे हम हल्का गर्म करेंगे। इसे हम उबालेंगे नहीं, बहुत हल्का गर्म करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हो गया है गर्म। अब हम इसे उतार लेंगे। अब फ्रेंड्स, जिस गिलास से मैंने पानी नापा था, उसी गिलास से 1 गिलास भर के हम डालेंगे पाउडर मिल्क। और एक ही बार हम नहीं डालेंगे, बस हम थोड़ा थोड़ा डाल के इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा हमें गाढ़ा दूध चाहिए। तो मेजरमेंट जिस ग्लास से आप नापेंगे, उसी ग्लास से 1 गिलास भर के आप इसमें पाउडर मिल्क मिला दीजिए। कोई लम्स नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे करके मिक्स कर रही हूँ। और हल्का गर्म पानी में दूध बहुत पाउडर मिल्क बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो आप देख सकते हैं, मैंने 1 गिलास लिया था, मैंने सारे इसमें मिक्स कर दिया है। तो फ्रेंड्स, अभी अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब हम एक काम करेंगे, अब इसे हम वापस गैस पे डाल देंगे इसे उबलने के लिए। तो मैंने गैस पे डाल दिया है फ्रेंड्स। अब हम इसे अच्छे से चलाते हुए इसमें उबाल आने देंगे। जब तक ये उबल रहा है, तब तक हम एक काम कर लेंगे, आधा कप हम पानी ले लेंगे और इसमें हम डालेंगे विनेगर। विनेगर से दूध बहुत जल्दी फट जाता है। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप नींबू का रस भी यूज कर सकते हैं, लेकिन विनेगर से नींबू का रस थोड़ा ज्यादा लगता है। तो मैंने 2 चम्मच विनेगर उस पानी में डाल दिया और मिक्स कर दिया है, और हमारा दूध भी अब धीरे धीरे उबलने लगा है। हम लगातार चलाते रहेंगे, क्योंकि पाउडर मिल्क जो है वो नीचे बैठ सकता है, इसलिए इसे लगातार चलाते रहें, इसे छोड़े ना। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि अब इसमें उबाल आ गया है। तो अब हम गैस को कर देंगे बंद और इसे हम नीचे उतार लेंगे, और 1 से 2 मिनट थोड़ा हम इसे चला लेंगे, थोड़ा हल्का ठंडा कर लेंगे। इससे पनीर बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो ये आपका हो गया है, मैंने 1 से 2 मिनट कर लिया। अब हमने जो सिरका और पानी मिक्स किया था, उसमें हम थोड़ा थोड़ा डाल के इसे फाड़ेंगे। थोड़ा थोड़ा जरूरत के हिसाब से डालें और इसे चलाते रहें। आप देखेंगे कि ये फट जाएगा। आप देख सकते हैं, ये फटना शुरू हो गया है। तो अब इसका जो हमारा ग्रीन कलर का, जब तक उसका पानी नहीं हो जाता है, तब तक हमें इसमें सिरका और पानी मिक्स करना है। तो आप देख सकते हैं, दूध हमारा फट गया है, लेकिन इसका अभी पानी ग्रीन कलर का नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा और मेरा सिरका और पानी लगेगा, तो मैं थोड़ा और ले रही हूँ। आपको भी अगर फाड़ने के लिए लगे तो आप ले सकते हैं। तो आप इसे थोड़ा थोड़ा डाल के इसे फाड़े। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं, अभी भी ये ग्रीन कलर का नहीं हुआ है। मैंने थोड़ा सिरका पानी और डाला है इसमें। और फ्रेंड्स, अब हमारा ये पूरी तरीके से फट गया है। आप देख सकते हैं, इसका पानी और छेना बहुत अच्छे से अलग हो गया है। इसका पानी आपको ग्रीन कलर का दिख रहा होगा, बिल्कुल हमें इसी तरीके का चाहिए था। अब फ्रेंड्स, अब हम 1 कप ठंडा पानी इसमें डालेंगे। और थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे छानेंगे। छानने के लिए मैंने 1 बाउल में स्ट्रेनर लगाया है। इसमें हम कॉटन कपड़ा डाल देंगे और अब हम इसे छान लेंगे। और अब हम इसे अच्छे से छानने के बाद हम फ्रेंड्स
एक कप और ठंडा पानी लेकर के इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि इसका जो विनेगर का और खट्टापन का टेस्ट है वो अच्छे से निकल जाए। इसलिए हम थोड़ा ठंडा पानी डालते जाएंगे और इसे अच्छे से धो लेंगे। अब ये फ्रेंड हो गया है तो अब हम इसे अच्छे से बांध लेंगे। या तो आप इसे 1 घंटे के लिए कहीं लटका करके छोड़ दीजिए या किसी भारी चीज के नीचे 1 घंटे के लिए या फिर आधे घंटे के लिए भी आप इसे दबा के रख दें। तो फ्रेंड्स मैं इसे किसी भारी चीज के नीचे डाल रही हूँ, इसे पनीर शेप में भी आ जाएगा। तो मैं एक प्लेट ले रही हूँ, उसमें इसे अच्छे से बांध करके मैं इसे रख रही हूँ। आप इसे बहुत ज्यादा निचोड़ निचोड़ के इसका पानी निकालने की कोशिश ना करें। आप किसी भारी चीज के नीचे दबा देंगे तो इसका एक्स्ट्रा पानी जितना होगा वो खुद ब खुद निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स मैंने आधे घंटे के लिए इसे दबा करके छोड़ दिया था और अब मैं इसे खोल के आपको दिखा रही हूँ। देखिए कितना अच्छा पनीर बन के तैयार हुआ है, जिस तरीके का आप दूध के साथ बनाते हैं। और बिल्कुल आपका पनीर बिल्कुल वैसा ही बनता है जैसा आप दूध के साथ बनाते हैं। तो आप फ्रेंड्स इसे आप इसका मिठाई बना सकते हैं, इसकी पनीर की सब्जी बना सकते हैं। और आप बिल्कुल, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है और ये बनाने में और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके का पनीर तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आप इसे ट्राई करने वाले हैं। अगर ट्राई करते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और यूजफुल होता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें, आइकन तो जरूर टैप करें ताकि इसी तरीके से नई, इजी और आसान टिप्स हम आपके लिए हमेशा लाते रहें। धन्यवाद।